गुड मॉर्निंग प्रिटी प्रिंसेस। कल बारिश हुई थी क्या? हाँ बेटा कल बारिश हुई थी। कल बारिश हुई थी, देखो जी रात को गीली हैं कुर्सियाँ। आप रेडी हो स्कूल जाने के लिए मैम? इधर तो देखो, सबको गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पापा योगा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कर लो कर लो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। रात को 9 बजे सो गया था इसलिए सुबह उठ गए। 9 घंटे सो गए, 6 बजे उठिया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सोचा हुआ था। चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। करो करो आप। चलो बाय। चलो थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग, स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक। इट्स मंडे एंड मंडे को आपको पता ही है कितनी एनर्जी लेवल होता है ऑफिस जाने का। थोड़ा कम कम होता है, ट्यूजडे को थोड़ा ज़्यादा होता है। मंडे को एकदम छुट्टी के बाद आए होते हैं ना, तो शायद थोड़ा सा इसलिए लेवल कम होता है। तो बस जाने के लिए तैयार हूँ मैं। और अभी सिमर ने भेज दिया था रिदा को सुबह, रिदा जा चुकी है। मैंने आज से वो डाइट शुरू करनी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली, जो मेरा डिटॉक्स वो है। तो अभी जाते हैं, अपना वेट करते हैं, देखते हैं कितना वेट आ रहा है और फिर उसके हिसाब से पता चलेगा कितना लूज़ किया है। हाँ काफ़ी लोग लिखते हो कि वो डाइट बेकार है और वापस सारा वेट आ जाता है, बट मैंने हमेशा यही बोला है कि वो डिटॉक्स डाइट है। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यूज टू लूज़ वेट, बट इट इज़ जस्ट टू क्लीन योर बॉडी। उसकी वजह से वेट गिरता है, हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सर गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? सर मुझे वेट करना है अपना, मैं कोट वोट के साथ ही कर रहा हूँ गाइस। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ना वो डाइटिंग। तो ये देखो मैंने कोट वोट पहन रखा है, उस दिन भी मैं ऐसे ही चलूँगा फिर कोट और शूज़ के साथ। ठीक है लेट्स सी कितना वेट आता है। ओ भाई ये क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है। 90.15 आ रहा है, ऐसा नहीं होता यार। जैकेट और जूते मिला के बहुत ज़्यादा वेट हो गया फिर मेरा तो। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 90.50। रुको मैं जैकेट उतार लेता हूँ, जैकेट और शूज़ उतार के देखता हूँ कितना आ रहा है। तो अब मैंने उतार ली है अपनी जैकेट और देखो शूज़ भी उतार लिया है। और मेरी कीवी सॉक्स देखी नहीं, देखी आपने? हैं कीवी सॉक्स भी तो देखनी थी, ये भी तो दिखानी थी मुझे तभी। चलो देखते हैं अब क्या आ रहा है वेट। चलो बादल से आ गए थे, बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई थी, आधे कपड़े अंदर सूख रहे हैं आधे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, तो यही ड्रामा चल रहा है। अभी हवा लग रही है जोर की चल रही है, बट देखूंगी अभी थोड़ी देर में। आई एम एडिटिंग द व्लॉग अभी बैठ के। सो नहा धो चुके हैं और कपड़े वगैरह तय लग रहे हैं, जो सारे यू नो ट्रिप का जो सबसे गंदे वाला पार्ट होता है वो होता है आई थिंक अनपैकिंग करना और फिर दोबारा से सामान सारा जचाना वापस जगह पे रखना। तो बस अभी वो ही चल रहा है। सर्दियों वाले कपड़े भी निकले थे, स्वेटर्स वगैरह, दोज आर लाइंग हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप देम ऑल्सो नाउ। और व्लॉग मेरा एडिट हो गया है, एक्सपोर्ट भी हो गया है, बस अभी अपलोड पे लगाते हैं, फ़ोन जाके रखते हैं चार्जिंग पे और अपलोड वगैरह कर लेते हैं ताकि जब तक रिदा आए ये सारे काम मेरे हो चुके हों। तो भाई एक टेंशन वाला काम हो गया है, रिदा का है फंक्शन, मदर्स डे का असेंबली। टेंशन वाला तो क्या मतलब, अब थोड़ी सी भसड़ मचेगी, भसड़ भी नहीं एक्चुअली। अभी हमने वो बेड खोल के देखा है, रिदा की वाइट स्टॉकिंग्स जो हैं वो अब पता नहीं वो कौन से वाले उसमें रखी गई हैं, फुल लेंथ जो स्टॉकिंग होती है। सो अभी वो बेड खोल के चेक किया था, वहाँ पे हमें नहीं मिली हैं, सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं। बाकी अब यहाँ पे जो सूट केसेज हैं गोइंग टू ओपन दैट एंड वो वाले चेक होंगे कि उसमें है कि नहीं। तो हमारा सूट केस नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, देख नहीं आता तो कोई चक्कर नहीं, बट ये सूट केस अटक गया है भाई, लग रहा है सेठ साहब भी आके खोलेंगे। मैंने इस पर बैठ एक बारी तो खुला था कुछ देखे उठे
या तो ये आह वेरी गुड देख रहे हो कई बार जो काम प्यार से नहीं होता वो थप्पड़ से हो जाता है तो अभी यही हुआ है सूटकेस के साथ इसमें लग रहा है थप्पड़ से खुला है मैं तो तेरे को पहले ही बोल रही थी इसमें होगा ही नहीं देखते हैं फिर भी ये वाला सूटकेस में नहीं है माला वो सामान स्टॉकिंग्स वगैरह नहीं इसमें नहीं होगा एक मिनट रुक हाँ नहीं होगा इसमें ये मुझे तो हल्का लग रहा है ये तो बहुत भारी था ना रखे थे याद है हल्का मैंने इसमें भी नहीं होगा कहाँ रखी यार इसमें ना कोट वोट जो रखे थे ना वही है सब तो बंधुओं इसमें भी नहीं मिला है अब पता नहीं कहाँ मिलेगा बेड में जो मैं नहीं चाह रही थी मुझे लग रहा है वो वहीं रखी गई है अब वही चीज चेक करने रह गई है जब ये सारा बैग खाली हो गया ना तब जाके ये स्टॉकिंग्स निकली हैं एंड में बिल्कुल मतलब लास्ट में पड़ गई सारा का सारा बैग हमने खाली किया है दीज वर द स्टॉकिंग्स दैट आई वाज लुकिंग फॉर गाइस और ये बिल्कुल एंड में जाके हमें मिली हैं जब हमने सब कुछ छान मारा तब जाके इनका आता पता पता लगा और टाइम हो गया है 2:10 बट द गुड पार्ट इज़ कि रिदा के आने से पहले पता लग गया सो दैट वाज़ गुड नहीं तो उसके साथ आके ना फिर और ज़्यादा हो जाता है कि मैं भी करूँगी मैंने भी देखना है मैंने भी ये वो चलता है बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लग रही है माला बना रही है रोटी और भिंडी जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पापा खाना बाहर ही आ जाओ आप जा रहा है मम्मा का खाना खट्टा मीठा आम का अचार और नींबू की चटनी नीचे बैठ के खाओगे आम की है अच्छा अच्छा इसके ना अंदर घी लगा हुआ इसने उल्टी साइड लगाया माला ने पर ये उल्टी रख रही थी मैंने फिर रखी ना इतना स्वाद था ना मज़ा आ गया भाई हरी मिर्ची लेके आई हूँ मैं अभी और भिंडी बनी हुई है बड़ी स्वाद और आम का अचार और आम की चटनी खा के तो साथ में चार चांद लग गए हैं आप लिखो अपना होमवर्क करो मैडम लगी हुई है अपना होमवर्क करने में इंग्लिश का और अभी हमने अपनी लाइंस भी प्रैक्टिस कर ली हैं रिदा की स्पीच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गई है बीच में एक आधा वर्ड है जो शी इज फॉरगेटिंग कौन सा वर्ड भूल रही है पहले बताओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं एवर इंस्पायरिंग ये ठीक है मम्मा हाँ ठीक है करो तो रिदा की रीडिंग भी हो गई है और उसने अपनी स्पीच भी अच्छे से याद कर ली है और अब उसकी स्पेलेथॉन होने वाली है एक दो दिन में ऑन 12th आई थिंक स्पेलेथॉन है सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ प्रैक्टिस अब थोड़ा सा स्पेलेथॉन का दिस इज हिंदी इट इज़ हिंदी नोटबुक तो और दोस्तों कल रिदा का बर्थडे है तो आप विश कर सकते हैं ये वाला व्लॉग देखते हुए और मुझे अभी एकदम से याद आया कि मैंने अपने व्लॉग का टाइटल नहीं रखा अभी तक या रख दिया पता नहीं रख दिया शायद तो देखते हैं अभी मिलते हैं आपसे तो 29 आ जाना और सीधे जाओगे अंदर से फिर ऐसे लेफ्ट लोगे फिर सीधे सीधे जाओगे बड़ी सी बिल्डिंग आएगी ऊपर जाओगे टॉप फ्लोर है वो हमारा है ठीक है चलो गुड नाइट कर दो गुड नाइट एवरीवन तो और कुछ है नहीं सूखी रहो
मिस यू कौन बोलेगा? वो नहीं बोल सकते आज। क्यों? नहीं ना। अच्छा चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा चलो अपना ये पानी पियो, जल्दी बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, आराम से रहता। बाहर निकली हूँ मैं, ये आदमी यहाँ से, मुझे पंखे की आवाज आ रही थी, ये आदमी देखिए कैसे यहाँ पे आके पड़ गया है। हेलो, पड़ गया है, डिस्टर्ब नहीं किया अंदर की, तुम पता नहीं ये डिस्टर्ब ऑब्वियसली वो तो नहीं करता, अगर तुम भी तुम तो कह रहे हो कहाँ सुलाते हो, तो गए बीत के दिन, वो कल सुलाया मैंने, कल टुलाया ऊंट को मैंने, टिमर झूठा, कल सुलाया मैंने, झूठा आदमी, झूठा आदमी। जूही आई थी शाम को और अभी सामान वगैरह देख के गई थी, वो रिदा तो इतनी खुश हो गई ना देख के, सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच जूही, रिदा का दिन बनाने के लिए, एंड यू बीन अ ग्रेट सपोर्ट यार, थैंक यू सो मच। आप इतना मतलब थॉटफुल होना कि कुछ करके जाना, और ये गिफ्ट से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिदा बहुत खुश होगी इससे, और आपके एफर्ट्स हैं, आपने खींचू के टाइम पर भी किया था, and that's your love for us, thank you so much, and I hope आपको हमसे मिलके भी अच्छा लगा होगा, और सिमर से आप मिलके गई हो तो obviously सिमर से तो जो भी मिल जाता है आपको पता ही है, सब इतने खुश हो जाते हैं, सब इतने अच्छे से बोलते हैं उसके बारे में, तो great that you've you know come to our house and did all of this for Rida and for us. इससे भी सिमर दे उत्ते मतलब उंगल करनी है, करनी है, सिमर से मिलके लोग बहुत खुश होते हैं, होते हैं हमारी फैमिली में भी सारे, everybody wants to be around you, कोई मौका नहीं जोड़ता, अरे everybody wants to be around you, कहां से मैं किस बात पे सिमर के ऊपर आ जाऊं, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अराउंड यू, इसमें कोई सरकास्टिक था, इसमें जितना सरकास्म था ना इसको ना बोलते ही रियलाइज हो गया, कल मैंने राहुल की ना मैंने राहुल को बोला था कि तेरा ज्यादा हो रहा देख ले, और इसको बोलते ही ना वो चीज याद आ गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हाय राम। चलो यार मिलते हैं आज से थोड़ी देर में, मैं मिल लू सेठी साहब से, मुझे ना आज बिपाशा का मैसेज आया अभी सुबह उठ के, उठो के दादा के साथ, बिपाशा बासु, बिपाशा हमारी एक सब्सक्राइबर है, मैं देखो क्या लग रही हूँ, बिपाशा का मैसेज आया आजकल कि मैं तुम्हारा बहुत इजहार कर रही हूँ अपने प्यार का। बिपाशा आपने तो बहुत अच्छा नोट किया है। नहीं मैं भी आज मैंने उसको रिप्लाई भी किया, आज जब मैं एडिट भी कर रही थी ना मुझे से लग रहा था कि दो तीन दिनों से पिछले मैं बड़ा प्यार से पेश आ रही थी सेठी साहब को, और मैं बोल भी रही थी यहाँ से सब प्यारी प्यारी बातें, तो और मुझे लग भी रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से फील आ रहा था कि आज पक्का कोई ना कोई नोट करेगा और बोलेगा, तो बिपाशा ने कॉमेंट किया था, तो बिपाशा ट्रिप पे गए हुए थे ना, ऐसे प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा था मेरा, इसलिए बस अब आप बिल्कुल नहीं देखोगे, लाइफ इज अ ट्रिप बेबी, एवरी डे यू गोइंग आउट, यू कमिंग back to home, sometimes you're not coming back to home, sometimes you stay in banyan jande ho, sharam aandi hai, kuch bhi nahi aandi, tu apna camera leke aayi, main apna relax kar raha hu, it's my family time, no we are not relaxing family, no we are vloggers, ha see baat hai, theek hai ji, chalo ji fir milte hain aap se।